स्वागत है आपका लाइव मध्य प्रदेश में और आपके साथ मैं हूं शाहनवाज सुल्तान। चलिए खबरों के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले शिव कुमार सैन्य प्रतिमा के पास नारेबाजी करते हुए एक दिवसीय धरना दिया। संगठन के दिलीप इंगले ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट में संशोधन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी सोहन कनाश को एक ज्ञापन दिया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता मौजूद थी। भारत सरकार द्वारा प्रेषित बजट में श्रमिक और कर्मचारी हित के कोई भी निर्णय नहीं लिए गए हैं, इसलिए उसके विरोधास्वरूप आज यहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य मांग ये है कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, आशा उषा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनको नियमित वेतनमान दिया जाए, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, इनको सामाजिक सुरक्षा जो प्रदान की जावे, सरकारी कर्मचारियों के लिए जो टैक्स बढ़ाया उसको कम किया जावे और इसमें आय कर की दरों में संशोधन किया जाए।